तीसरा बजट ये हुकूमत पेश कर रही है और जिस तरह वज़रा बात करते हैं दूध शहद की नहरें बहाने की, 3 सालों के अंदर इनको जो अदादो शुमार बनाकर बनाने वालों ने दिए और जो ये बता रहे हैं उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान के अंदर रोटी, दाल, घी, शक्कर, अद्वियात, तालीम, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल, ये चीज़ें सस्ती नज़र आती। मियां साहब एक मिनट, आर्डर इन द हाउस प्लीज़। तमाम ऑनरेबल मेम्बरान से गुजारिश है कि वो अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ़ रखें। जी जी लेडीज़ हमारी, आर्डर इन द हाउस प्लीज़, बैठ जाए जी। मियां साहब जी इजाज़त है जी। जी स्टार्ट, शुक्रिया। मैं अर्ज कर रहा था कि अगर इनके अदादो शुमार जो बयान कर रहे हैं उन पे जाएं तो फिर तो हर तरफ हरियाली नज़र आनी चाहिए, फिर तो हर तरफ खुशी के लोग जो हैं वो शादियाने बजाते। मगर मुझे ये कहने की इजाज़त दें कि तकरीबन 8.5 खरब का पेश किया जाने वाला बजट को 47% कर्ज़ों से फाइनेंस किया जाएगा, तो फिर उन टैक्सों का बोझ जो आवाम पर पड़ेगा उससे फिर मुझे वुज़रा बता दें कि गरीब दोस्त बजट उसको कहूँ या जुल्म जो 3 सालों से हो रहा है उसी को बयान करें। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना की जसारत कर रहा हूँ कि बदकिस्मती है कि इन कागज़ों के पलंदों को अगर पढ़ा जाए तो कुछ और नज़र आता है, मगर जो वुज़रा बयान करते हैं वो फरमाते हैं कि इससे रियासत और आवाम मजबूत और खुशहाल होंगे। और अगर गौर से इसको कोई पढ़े तो ऐसे लगता है जैसे कैंसर का इलाज, किसी कैंसर ज़दा मरीज़ का इलाज डिस्प्रिन से किया जा रहा है। तो मैं आपसे ये कहने की जसारत कर रहा हूं जो पाकिस्तान के अंदर असल जो बीमारी है जब तक आप उसका इलाज नहीं करेंगे, ये अदादो शुमार बयान किए जाते रहेंगे मगर पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। पाकिस्तान का मसला असल ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक कानून है, एक आइन है, मगर 70 सालों में पाकिस्तान के आइन जब से बना ना अमल हुआ ना इसको किसी ने देखा। और यहाँ आलम यह है कि आए रोज किसी न किसी को गद्दारी का टाइटल लगा दिया जाता है। आज आलम यह है कि 70 सालों में आपने मादरे मिल्लत फातिमा जना को गद्दार कहा और 20 साल बाद अतराफ किया कि मादरे मिल्लत गद्दार नहीं थी। आपने जिस वजीर साहब की गुफ्तगू अभी सुनी उन्होंने ही कहा था मादरे मिल्लत को गद्दार। आप ये देखें कि आज हालत यह है कि पाकिस्तान के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ाते हो और 15-20 साल बाद इतराफ करते हो कि जुल्फकार अली भुट्टो के साथ ज्यादती हुई, अदालती कत्ल हुआ। आप नवाज शरीफ को हाईजैकर बनाकर सजा देते हो और 10 साल बाद एतराफ करते हो कि ये सजा दी जाने वाली जो थी ये गलत थी, आप एतराफ कर लेते हो। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा कि आप कभी किसी को ठोक देते हो और किसी को स्मैश करने की धमकियां देते हो। आप ये बताओ कि पाकिस्तान के अंदर क्या हुब्बुल वतनी किसी की जागीर है? कोई सर्टिफिकेट देगा हमें? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जनाब स्पीकर हर पाकिस्तानी को हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट दिया। आज हमें कोई नया सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और एक दूसरी बात, मुझे ये कोई बताए कि आज मैंने जिक्र किया जब नवाज शरीफ का, जुल्फकार अली भुट्टो का, मादरे मिल्लत का जब मैंने ठोकने की बात की तो आप देखें लियाकत अली खान, आप जब बात करेंगे तो बेनजीर भुट्टो के कत्ल की, उनकी शहादत की, तो फिर मुझे ये कहने की इजाजत दें कि आज मरियम नवाज शरीफ के कमरे में रात गए बगैर इजाजत के दाखिल होना पाकिस्तान की आजादी है या गुलामी है? आज कोई ये बताए कि मैं नहीं बताना चाहता, कोई जरूरत नहीं है कि जेल में सलूक क्या होता है, मुंतखब लोगों के साथ जेलों में होता क्या। ये कोई नई कहानी नहीं है जो मैं सुनाऊं तो किसी को समझ आए, मगर ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि इस हाउस में बैठे लोगों से, वो इस साइड से हो या इस साइड से, कि आए एक दफा आईन की ताकत को आजमाएं, आईन की ताकत को आजमाएं, पिसे हुए लोगों की ताकत को आजमाएं, जो हम हमेशा इंतखाबात में उनसे वादा करके आते हैं। मगर बदकिस्मती ये है कि यहां अगर कोई घर को दुरुस्त करने की बात करे तो वो नवाज शरीफ और उसकी सारी की सारी जमात गद्दार ठहरे, और वही बात कोई और कहे तो मुहिब्बे वतन ठहरे। ये इंसाफ है? ये आज मुझे कोई ये बता दे कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो इंसाफ देने वाले इंसाफ मांग रहे हैं। मुझे कोई ये बताए कि जस्टिस सेठ वकार एक फैसला देते हैं और 10 दिन नहीं गुजरते वो फैसला खत्म हो जाता है और सेठ वकार साहब का मुहासवा शुरू हो जाता है। वो तो 10 दिन लगे, आईन तोड़ने वाले को उस सजा को खत्म करते हुए 10 दिन लगे, मगर जुल्फकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ को 10-10, 20-20 साल लगा दिए कि ये फैसला गलत था। ये पाकिस्तान, जब हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर मर मिटेंगे, कुर्बानी देंगे, दे रहे हैं, देते आए हैं और देते रहेंगे, मगर कोई ये नहीं हमें कहे कि चंद ताकतवर लोगों के पाकिस्तान को पाकिस्तान खप्पे कहें। हम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान को, जुल्फकार अली भुट्टो के पाकिस्तान को, नवाज शरीफ के पाकिस्तान को खप्पे कहेंगे। किसी ऐसे ताकतवर शख्स जो अपनी जागीर बनाना चाहता है पाकिस्तान को, उसके लिए पाकिस्तान खप्पे का लफ्ज नहीं निकल सकता, इसलिए कि मेरे नाना दादा ने पाकिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान के लिए हिजरत करके आने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उन्होंने अपने बदन को छलनी करवाया, मगर ये कहा बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? हम वो पाकिस्तान चाहते हैं, हम वो पाकिस्तान बनाएंगे और ये पाकिस्तान अब बन के रहेगा जिस मकसद के लिए ये पाकिस्तान बनाया गया था। मगर अगर कोई हमें ये बात कहे कि जनाब साकिब निसार साहब का भी फैसला दुरुस्त है। अगर कोई हमें यह कहे कि अरशद मलक जज का भी फैसला दुरुस्त है और 20 साल बाद हम ये कहें कि ये फैसले गलत थे। चेयरमैन साहब अब बहुत देर हो गई, अब हमने बहुत कुछ गंवा चुके हैं, खुदा के लिए मजीद वक्त ज़ाया मत करें, इस आइन को पढ़ें, इस पर अमल करें। नए कवानीन बनाने की ज़रूरत नहीं है। बदनीति से अगर नए कानून बना भी लेंगे, नया आइन बना भी लेंगे, जब नीयत दुरुस्त नहीं होगी तो फिर पाकिस्तान आगे चल कैसे सकेगा। मगर एक चीज की इजाजत चाहता हूं, अगर ये हाउस, अगर ये आइन फैसला नहीं कर सकता कि गद्दार कौन है और क्यों है, मुहिब्बे वतन कौन है और क्यों है, तो फिर आइन की किताब को बंद कर दें, फिर इस पार्लियामान को ताला लगा दें, फिर इस पार्लियामान में आने की जरूरत नहीं है। फिर जो हम वादा करते हैं लोगों से, आवाम से, तो फिर उनको जवाब दे दें कि हम बेबस हैं। मगर आवाम बेबस नहीं है, लीडरशिप बेबस होती है, लीडरशिप कंप्रोमाइज करती है। जनाबे चेयरमैन साहब, आज बड़ी बातें होती हैं मफामत की। भाई मजामत कौन कर रहा है? मजामत तो होती है मसल्ला, मजामत तो होती है पहाड़ों पे चढ़ के। मफामत किससे होती है? मफामत दो फ्रीकों के दरमियान होती है। एक फ्रीक आप हैं तो दूसरे फ्रीक का बताया जाए दूसरा फ्रीक कौन है। और अगर कोई नाम नहीं लेना चाहता तो फिर यह बात बताए कि दूसरे फ्रीक ने या पहले फ्रीक ने अपनी गलतियों का एतराफ कर लिया, क्या वादा कर लिया कि पिछली तारीख को दोबारा दोहराया नहीं जाएगा, क्या यह वादा कर लिया कि आइंदा आइन कानून के मुताबिक अमल होगा। और अगर नहीं किया, एक कमजोर लागर लाचार फ्रीक, उसकी मफामत कैसी। और अगर कोई ये करेगा तो फिर धोखा देगा आवाम को, झूठ बोलेगा, गलत बयानी करेगा। मफामत होती है, मफामत करना चाहते हैं मगर आइन कानून के मुताबिक। को लगा दिया जाए तो उसी तरीके से किसी दूसरे को लगा दिया जाए। बुजदार के लगाने का तरीका अगर गलत है तो मुझे लगाने का तरीका भी गलत है, ये कोई तरीका नहीं है आइन कानून के मुताबिक। और एक बात और अर्ज करना चाहता हूं, मुझे मेरे चीफ व्हिप साहब बार बार देख रहे हैं, मैं उस तरह तो नहीं देख रहा। करना चाहता हूं एक बात का आज तयन करें कि चारों सूबों में मकबूल लीडरशिप का जब कत्ल होता है या किसी लीडरशिप को स्मैश साजिश की मनसूबाबंदी होती है, उस पर बात करना गद्दारी कैसे बन गया। और दूसरा, मुझे कोई ये कहे या बता दे कि अगर आप आइन कानून की बात करते हैं जनाबे चेयरमैन तो फिर आप गद्दार कैसे ठहरते हैं। और चौथा, पाकिस्तान के अंदर अगर मुंतखिब लोगों ने गद्दार ठहरना है तो या तो आवाम गलत फैसले करते हैं, और जो के गलत फैसले अवाम नहीं करते, अवाम को हक हो कि वो अपने मसाइल के हल का बता सकें। मगर यहाँ तो उनके मुंतखिब नुमाइंदों को हक हासिल नहीं बोलने का, उनको कौन बोलने देगा। दूसरा, दो चीजें मैं आखिर में अर्ज करूंगा। एक कहा गया कि पर्ची, और एक बात की गई मरियम नवाज शरीफ की। मैं बड़ी अदब से सबसे गुजारिश करूंगा कि पर्ची वाले चेयरमैन कहने से पहले ये सोच लें, उसने अपना नाना गवाया, उसने अपने मामा गवाए, उसने अपनी मां को गंवाया, फिर बौने किसी पर्ची का जिक्र करें कि ये चेयरमैन कैसे बने। इतनी कुर्बानी को दे फिर बात करे। और जिस मरियम नवाज शरीफ की बात करते हैं, कोई अपना दादा मां पहले गंवाए उस तरह, कोई अपनी बेटियों को लेकर जेल जाए पहले उस तरह, किसी के सेलों में, खवातीन लीडरशिप के सेल में कैमरे लगे हों, इस ऐवान में बैठा कोई गैरतमंद ये कहे कि उसकी मां, बहन, बेटी के सेल में कैमरा लगा हो और वो चुप रहे, उसके बाद कोई कहे वाइंड अप प्लीज जी। आखिरी 3 मिनट वो उस तरह नहीं करूंगा, उस तरह नहीं बात करूंगा। मैं चेयरमैन साहब, मियां साहब आप अपने विप से पूछिए। सर जनाबे चेयरमैन साहब मुझे ये बताएं, यहां टीके का बड़ा जिक्र हुआ है। मेरे मोहतरम नहायत अच्छा, जिस तरह चौधरी बरजीत साहब कहते हैं जी मैं तो तैयार हाँ, उस तरह कर दो प्लीज। मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ जनाबे चेयरमैन साहब, मुझे एहतराम अदब है आपका। मैं ये अर्ज करता हूँ कि यहाँ टीके की बड़ी बात की गई। इमरान खान साहब ने फरमाया कि जब मुझे इंजेक्शन लगाया गया तो मुझे अस्पताल का स्टाफ जो था वो हूरे नजर आ रही थी। मगर खुदा का खौफ करें, आपने तो 3 साल इस कौम को जो टीके लगाए हैं, इस कौम को दुनिया जो है वो दोजख नजर आ रही है। आप बात करते हैं चटाई की। मैं किसी तफसील में जाए बगैर सिर्फ इतना अपने वजीर साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा के सामने और पीछे चटाई बिछाने का तजर्बा रखने वाले बहुत हैं, उनसे सीख लें चटाई कैसे बिछाई जाती है। शुक्रिया। थैंक यू जी।